गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंसेज टुडे, स्पॉटिंग एरर ऑफ टेंसेज. इट मीन्स देयर आर फोर पार्ट्स इन अ सेंटेंस एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द एरर ऑफ द सेंटेंस एंड रेक्टिफाई दैट. फर्स्ट, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड. और डी में है नो एरर. तो चेक करेंगे. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स. देखो प्यारे बच्चों, ये नहीं पता कौन से 20 वर्ष से मैंने उसे नहीं देखा है. तो सिंस 20 ईयर्स नहीं आएगा यहां पे, फॉर 20 ईयर्स आएगा, क्योंकि सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. तो ए पार्ट में आपका एरर है और उस एरर को भी आपने करेक्ट करना है. सिंस 20 इयर्स का मतलब है 20 वर्ष से, ये नहीं पता कौन से 20 वर्ष. यदि लास्ट आ जाता तब तो सिंस ठीक था, नहीं तो यहां क्या आएगा सिंस के प्लेस पे, फोर. सेकंड, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गोन. नो एरर. तो प्यारे बच्चों देखो, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसे नहीं मिला अपना कुक किचन में, ही आस्क्ड हिज वाइफ, इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से पूछा, वेयर हैड ही गोन, नहीं हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगती है क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है. तो वेयर ही हैड गोन, तो इसके सी में एरर है कि वेयर हैड ही गोन की बजाय आना चाहिए था वेयर ही हैड गोन. नो एरर, नो एरर नहीं है इसमें. इसमें सी में एरर है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बात लगानी है. थर्ड, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी. नो एरर. तो थर्ड है प्यारे बच्चों, आपको बताया गया है कि टाइम यदि दे देते हैं तो वो कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता, वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है. ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस न होके ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा. तो इसमें ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट नहीं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि टाइम दिया गया फॉर मोर देन 3 ईयर्स से, क्योंकि मैं 3 वर्ष से ज्यादा से भी क्रिकेट खेल रहा हूं फिर भी एक भी सेंचुरी नहीं लगा पाया, तो इसका मतलब टाइम दे दिया. तो टाइम दे दिया तो टाइम के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आई हैव बीन प्लेइंग थर्ड में आप नोट करते चलेंगे. फोर्थ, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता वेयर कुड ही हैव गोन, फिर वही पॉइंट आ गया प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फुल स्टॉप लगा हुआ है लास्ट में, चेक करो सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगी. ये जो कुड है ना, ये फर्स्ट में ए में, फोर्थ के ए में, तो ये हैव के ही के बाद लगेगी. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद लगती है जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है, इंटरोगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगती है. तो वेयर ही कुड हैव गोन, ए में एरर है और ये ठीक भी हो गया. फाइव, बाय द टाइम वी गोट आर टिकेट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन. फाइव देखेंगे, बाय द टाइम वी गोट आर टिकेट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन. नहीं, जिस समय हमने टिकेट खरीदे और सिनेमा एंटर किए, शो शुरू हो चुका था. तो चुका था मीन्स द शो वॉज ऑलरेडी, ऑलरेडी के साथ हैड थर्ड आता है बेटा, ठीक है ना, तो वॉज के प्लेस पे क्या आएगा, ये हैड, मीन्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा ना, पहले ही शुरू हो चुका था जिस टाइम हमने टिकट खरीदा और हॉल में सिनेमा में एंटर किया, तो उस टाइम से पहले ही शो स्टार्ट हो चुका था, तो वॉज के स्थान पर हैड. बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकेट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन. तो अब सिक्स में आ जाओ भाई बेटा, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकेट्स, नहीं वी गेट आवर टिकेट्स, जब
बाय द टाइम जिस समय हमने टिकट जिस समय हम टिकट खरीदे गे तो वी विल गेट नहीं वी गेट फ्यूचर इंडेफिनेट ना लग के यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट लगेगा तो 6A बी में एरर है वी गेट आर टिकट्स विल डिलीट कर देगा गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर हे लेफ्ट देखो प्यारे बच्चों गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट नहीं आफ्टर के बाद हैड लेफ्ट आएगा आफ्टर के बाद हैड लेफ्ट आएगा और बिफोर से पहले हैड लेफ्ट आएगा क्लियर ये नोट करते जाइए आप ये टेंसेज लाइफ टाइम के लिए यूज होंगे तो हैड थर्ड मीन्स पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड आफ्टर एंड बिफोर द वर्ड बिफोर बिफोर शब्द से पहले हैड थर्ड आएगा और आफ्टर वर्ड के बाद हैड थर्ड आएगा हैड थर्ड मीन्स हैड थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट उसके जाने के बाद उसका नाम बताया गौरी ने मुझे तो आफ्टर के बाद ही लेफ्ट नहीं ही हैड लेफ्ट एट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज तो फिर वही आ गया We have been celebrating many festivals since century. पता नहीं कितनी शताब्दियों से So since नहीं आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा Period of time के लिए 4 आएगा यदि since last 2 centuries होता 5 centuries होता तो फिर 4 आता है ना तो सॉरी फोर फिर since आता last आ जाता तो यहाँ centuries बहुत सारी पता नहीं कौन सी तो period of time है उसके लिए 4 आएगा C में error है Old age and infirmity had begun to catch up with him. अब देखो प्यारे बच्चों, old age and infirmity had begun to catch up with him. देखिए, old age and infirmity had begun. Begin तो begin की second form होती है. बस बेटा आप keep quiet रहेंगे, आप चुप रहेंगे. Begin तो begin की second form है और had के साथ लगती है. The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. अब देखो प्यारे बच्चों, the passerby told होता है indirect form of narration में, है ना? तो where was the marriage hall नहीं? क्योंकि full stop लगा है last में, तो helping verb जो marriage hall के बाद लगेगी ना, तो where the marriage hall was, तो B में error है, error इन चार options में एक error है बच्चों, और वो error आपने identify करना है. ठीक है तो इसमें वेयर वॉज द मैरिज हॉल में एरर है बनेगा ठीक वेयर द मैरिज हॉल वॉज आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 इयर्स अगो यस्टरडे आ जाए अगो आ जाए लास्ट आ जाए पेन कॉपी लेके अपने पास बैठिए यस्टरडे लास्ट अगो कहीं भी आ जाए तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना है प्यारे बच्चों वहां यूज होगा पास्ट इंडेफिनेट यस्टरडे लास्ट अगो 3 वर्ड है उनके साथ यूज होगा पास्ट इंडेफिनेट तो यहां कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म तो आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 इयर्स अगो सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब देखो प्यारे बच्चों सिंस ही जॉइंड दिस जॉब ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब 12 ट्राई कीजिए आपको बताएं प्यारे बच्चों सिंस जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ठीक है क्या क्या यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ध्यान से सुने सिंस फॉर यट जस्ट ऑलरेडी एक बार फिर सुनेंगे सिंस फॉर यट जस्ट ऑलरेडी ये वर्ड कहीं नजर आ जाए तो आपने समझना है पास्ट इंडेफिनेट नहीं प्रेजेंट परफेक्ट तो सिंस ही जॉइंड नहीं 12 में ए में Since he has joined. 13. Perhaps you know that I have passed the examination in 1990. Perhaps you know that I have passed. Nee, I passed. कोई भी काम आपने past में किया है तो बेटा वो past indefinite होगा ना कि present perfect. तो B error है और B में क्या है? I have passed के place पे I passed. 14. He has read for plays written by Shakespeare by the end of his vacation अपनी vacation तक पढ़ लेगा तो पढ़ लेगा तो यहाँ तो पढ़ चुका है बताया इसने तो पढ़ लेगा means future perfect A में error है देखो बेटा
ही हैज रेड नी, ही विल हैव रेड, है ना, ही विल हैव रेड, वो पढ़ चुका होगा. When they stole the money and where did they hide it? अरे प्यारे बच्चों, interrogative है तो when they stole नहीं, helping verb लगाइए they से पहले. When did they steal the money? कहाँ से चुराया पैसा, कहाँ चुराया? When did they steal? A में error है और error ठीक करना है आपने did लगा के, first form लगानी है. The teacher has took the responsibility. प्यारे बच्चों, present perfect tense table समझिए. तो प्रेजेंट परफेक्ट में टुक तो सेकंड फॉर्म है, तो यहां क्या आएगा, थर्ड फॉर्म. तो हैज टुक मींस टेक, टुक टेकन, तो हैज टेकन, तो बी में एरर है और वो एरर है हैज टुक न होकर हैज टेकन. फॉर टाइम इमेमोरियल्स सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज. तो बेटा टाइम मेमोरियल्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, समय का स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, वो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, वो पॉइंट है. तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगता है, तो फोर टाइम मेमोरियल की प्लेस पे क्या आएगा, सिंस टाइम मेमोरियल, है ना, एग्जैक्ट प्लेस सिंस पीरियड ऑफ टाइम फोर, तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस. ए में एरर है, फोर के प्लेस पे सिंस आएगा. द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक. The river is in spate and it has overflown its bank. प्यारे बच्चों, overflown कोई form of the verb होती है, overflowed होती है, है ना? तो the river is in spate and it has overflowed its bank. Overflowed, overflow, overflowed, overflowed होती है, overflown कुछ नहीं होता. तो third form of the verb wrong है, तो इसको overflowed करें. The little boy had been waiting for his turn since a long time. छोटा बच्चा वेट कर रहा था since a long, अरे long time तो प्यारे बच्चों period of time है, since क्यों लगा रहे हो, यहाँ for a long time आएगा, C में error है, तो since नहीं for आएगा, F-O-R. This TV serial is going on for 3 years. देखो प्यारे बच्चों, फिर वही, तो time period दे रखा है, टाइम देते ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, तो हैज बीन गोइंग, बी में, इज गोइंग ऑन नहीं, हैज बीन गोइंग ऑन. इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरेडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकंपनिस्ट्स हु लिव्ड विद द डांसर्स एंड ट्रेवल्ड विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस when they gave performances. So in the early years of the Renaissance of Bharatanatyam, hereditary dancers have their own set of accompanists who lived. अरे प्यारे बच्चों, B में lived आया है, traveled आया है, C में gave आया है, past आ रहा है ना, तो A में आप present कैसे ला सकते हो? Dancers, वो dancers तो करते थे, रखते थे, तो dancers had their own set of accompanists. तो have नहीं, present नहीं, यहाँ past आएगा, तो have के place पे क्या आएगा, A में had. This is the time out to be one of our most successful projects and we have made quite a large profit from it. अरे प्यारे बच्चों, one of our most successful projects and we have made quite a large profit. This is the नहीं है, this is turned out नहीं है, this has turned out. क्यों? Present perfect tense है, ये passive voice का sentence है ही नहीं. This has turned out to be, तो A में error है और वो present perfect लगेगा, has third. 23. He is given me a lot of, अब यहीं पे difference आ गया. He is given me, उसे दिया गया है, नहीं मुझे, उसने मुझे दिया है. He has given me. He has given me, उसने मुझे दिया है, क्या दिया है, a lot of documents दिए हैं to read before the presentation tomorrow, है ना. 24. Since the trip home was expensive, I did not went home during the holidays. देखो प्यारे बच्चों,
पास्ट इंडेफिनिट चेक करो, सी पार्ट, डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, डिड के साथ क्या आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अपने नोट्स भी बनाते चलो, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वैसे सिंपल पास्ट में डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस हो जाए तो डिड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड है। एज ही इज लेट फॉर वॉक यस्टरडे, सी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड हैव लीव फॉर ऑफिस। एज सी इज लेट, क्योंकि वो लेट है फॉर ऑफिस, कल लेट है नहीं, लेट थी, यस्टरडे आया है, लास्ट अगो, फिर तीन वर्ड लिखेंगे एक बार फिर से, यस्टरडे, लास्ट अगो, पास्ट इंडेफिनेट, तो बी की पास्ट फॉर्म इज नी वॉज, तो ए में क्या लगेगा, एज सी वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे, क्योंकि वो कल काम पर देरी से आई थी, तो इज नहीं वॉज। सिंस सॉरी एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम। फिर देखिए प्यारे बच्चों, ए में देखो एंटर्ड आया है, बी में देखो अप्रोच्ड आया है पास्ट इंडेफिनिट, तो सी में भी तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, एंड रिपोर्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रखा है यहाँ, है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा, सी में, एंड रिपोर्टेड द मैटर, रिपोर्टेड। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। फिर वही कंप्यूटर कोर्स कॉलेज जो चला रहा है 2007 से चला रहा है, तो टाइम दे दोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, टाइम नहीं दोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, हैज बीन रनिंग। डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे, तो प्यारे बच्चों यस्टरडे आया है तो व्हाई ही हैजंट नहीं, डिड ही टेल यू, क्या उसने आपको बताया, क्या बताया कि व्हाई ही हैज नॉट, नहीं हैडंट, हैड नॉट, पास्ट है ये भी, तो पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट में पास्ट इंडेफिनेट, सेकंड में यानी बी में पास्ट परफेक्ट, तो हैज नॉट नहीं, हैडंट, हैज का हैड हो गया। 29, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज, देखो लास्ट नाइट आया है और फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो गलत हो गया ना, यस्टरडे, लास्ट अगो, फिर वही बार बार घूम रहे हैं, बस आपने तीन चीजें याद करनी है, तीन वर्ड है, यस्टरडे, लास्ट अगो, पास्ट इंडेफिनेट, तो ड्रीम नहीं बेटा, या तो ड्रीम्ड इसकी सेकेंड फॉर्म या ड्रीम्ड, दो तरह की फॉर्म होती है इसकी, ड्रीम्ड या ड्रीम्ड। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1993। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर, नहीं 1983 से, ठीक है, तो बताइए क्या है, बी में एरर है ना, हाँ, तो हैड बीन वर्किंग हेयर, काम कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूस नहीं प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे 27 देखिए, एक बार 27 फिर से देखिए, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, टाइम दे देता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, ऐसे ही बेटा। 30th क्या है, सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग, नी हैड बीन वर्किंग हेयर। 31, Nobody saw him since the fire broke in his locality. तो फिर since आया ना प्यारे बच्चों, तो since से पहले तो present perfect आता है ना, तो nobody has seen him, nobody has seen him, present perfect, A में error है। By this time next year Ramesh will take his degree, तो फिर वही आ गया, Ramesh degree ले लेगा, future perfect, इसी टाइम तक अगले वर्ष रमेश डिग्री ले चुका होगा, तो रमेश विल टेक नी, विल हैव टेकन, फ्यूचर परफेक्ट। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट टू डिकेड्स, प्यारे बच्चों लास्ट आया है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फोर नी सिंस आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर आता है, तो सी में एरर है, सिंस आएगा फोर के प्लेस पे। My uncle has left for Bombay last Saturday. Last आया है yesterday ago, तो past indefinite B में, तो my uncle left for Bombay. Present perfect नहीं, past indefinite left.
गुड हेवंस हाउ हैज सी ग्रोन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है, तो प्यारे बच्चों देखो बी पार्ट में हाउ हैज सी, हाउ हैज सी नहीं हाउ सी हैज। यदि इंटरोगेटिव मार्क आता एक्सक्लेमेटरी मार्क के प्लेस पे साइन ऑफ इंटरोगेशन होता तब तो प्यारे बच्चों आ जाता ही है ना, लेकिन यहाँ तो एक्सक्लेमेटरी है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगी, ठीक है ना। गुड हेवंस हाउ सी हैज, तो बी में एरर है, हैज जो है सब्जेक्ट सी के बाद आएगा। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, फिर सिंस आया है देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ नहीं खाया है मैंने, तो आई एट पास्ट इंडेफिनेट नहीं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स आई हैव ईटन नथिंग, ए में एरर है। 37, he is having my many friends here. जब भी possessive degree होता है, possessive होता है बेटा, उसको ing नहीं लगती, यानी has have को ing नहीं लगती, ठीक है, has have को अपने आप ing नहीं लगती है, दूसरों को ing लगवाते हैं, तो he is having नहीं, he has many friends here, बहुत सारे friend है, तो he has. When I went there, Charles is playing a game of chess. बेटा मैं जब वहां गया तो चार्ज खेल रहा है या खेल रहा था, खेल रहा था होना चाहिए ना, तो प्रेजेंट इंडेफ कंटिन्यूस नहीं, पास्ट कंटिन्यूस आएगा यहाँ, वॉज प्लेइंग, इज के प्लेस पे वॉज प्लेइंग। 39, द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉज्ड बाय कंट्रोवर्सी, तो प्यारे बच्चों व्हेन हिट द मार्केट सेकेंड फॉर्म आई है तो सी में भी तो सेकेंड फॉर्म आएगी, इज का वॉज नहीं हो जाएगा, वॉज डॉज्ड, was dosed by controversy. The victim tried to tell us what has happened but his voice was not audible. Victim ने बताने की कोशिश की, tried to tell what has happened. देखो प्यारे बच्चों what has happened past indefinite के बाद तो past perfect आता है ना, तो what had happened past perfect. Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking foregoing of rational and moral self. अरे प्यारे बच्चों, our history can be seen as a long revolutionary dialectical development in which there has been, है ना, singular आ रहा है इसके बाद, तो there have been के प्लेस पे बी में क्या आ गया, there has been. Last year, two Italian prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war. Last year, two Italian prisoners of escapes, nee, past indefinite, escaped, B mein, escaped, second form. Madhuri Dixit is having a large fan following. फिर वही आ गया, has have ing नहीं लगती, तो Madhuri Dixit की fan following है, बड़ी fan following है, तो Madhuri Dixit has. Has आएगा, is having नहीं. No one heard anything about him since he left India for good. No one heard anything about him since he left नहीं. प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा? Since he left तो ठीक है, sorry. No one heard नहीं. No one has heard. किसी ने नहीं सुना है. फिर वही since से पहले present perfect है ना? No one has heard anything. A में error है. Before the teacher could finish the question, the students gave the correct answer. तो प्यारे बच्चों, the students gave नहीं, the students had given इससे पहले कि teacher finish कर पाता, ठीक है, वो पहले ही आंसर दे चुके थे. Before the teacher could finish the question, the student had given the correct answer. अपने क्वेश्चन ख़त्म, टीचर के क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले ही वो अपने आंसर्स दे चुके थे. Had given C, तो gave के प्लेस पे had given. She did not prepare her breakfast yet. अभी अभी आपको बताया था yet, just, since, for और already आ जाए तो present perfect. तो she did not prepare नहीं, she has not prepared, she has not prepared. इसमें कौन सा tense आ गया बेटा? Present perfect. Which tense? Present perfect.
Perhaps you do not know I am owning a farmhouse besides two bungalows. Perhaps you don't know I am owning a farmhouse beside two bungalows. तो प्यारे बच्चों I am owning फिर वही I own में चेंज करो इसको own मेरा स्वयं का है I am owning means मैं रख रहा नहीं हूँ Perhaps you do not know I am own a farmhouse ठीक है I am own नहीं am नहीं प्यारे बच्चों I own a farmhouse beside two bungalows तो I am own के place पे क्या आ गया I own मेरा स्वयं का है मेरा स्वयं का है Perhaps you do not know, I am owning के place पे क्या आ गया I own a farmhouse beside two bungalows. मेरा अपना है एक farm house दो बंगला के साथ साथ When Anand reached his village, he found that the news about him preceded him. तो जब वो वहाँ पहुँचा तो preceded नहीं बेटा Had third, the news about him had preceded him. उसकी news भी उसके से मिलती जुलती जो news थी वो भी पहुँच चुकी थी तो preceded नहीं had third. Civil already returned home when he arrives. अरे प्यारे बच्चों already के साथ तो will have already returned. Perfect tense आता है तो future perfect लगाइए civil already returned नहीं civil have already returned. Already के साथ तो perfect आता और will आया तो भाई future perfect. Each of them has Have his share. फिर वही बात आ गई प्यारे बच्चों Has have कभी होता नहीं Has के बाद तो third form आती है ना Each of them has had his share of joy and sorrow. तो has have के साथ third form आती है तो has के बाद जो ये have आया है ना ये verb है और इसको बनाइए third form. ठीक है तो has had his share. This custom has come down since time immemorial. This custom times को मेरे बच्चों times क्या होता है time immemorial क्या होता है time immemorial times नहीं समय singular है तो C में error है time immemorial. Since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can. To acquire a first-hand knowledge of the rural India. Since his arrival in India, he is visiting. Is के स्थान पर has been, है ना present perfect बच्चों continuous present perfect continuous, ठीक है तो present perfect continuous लगेगा न कि present continuous तो he is के place पे has been, is के place पे has been. Believe me, I am believing whatever you have said. प्यारे मुझ पे विश्वास करो मैं भी तो विश्वास करता हूँ विश्वास कर रहा हूँ नहीं करता हूँ I am believing नहीं I believe whatever you have said. जो भी तूने कहा मैं भी तो विश्वास कर रहा हूँ तो तुम भी विश्वास करो भाई तो I believe. It is time we should have done something useful. We should have के place पे बेटा we did. इट इज़ टाइम कहीं भी आ जाए ना इट इज़ टाइम कहीं भी आ जाए याद रखनी है ये स्टेटमेंट लिख लीजिए इट इज़ टाइम कहीं भी आ जाए तो पास्ट इंडेफिनेट होगा इट इज़ टाइम के साथ बस ये याद रखना इट इज़ टाइम के साथ क्या यूज होगा प्यारे बच्चों एक ही टेंस यूज होगा इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग अनयूजुअल शुड हैव डन को वी डिड में चेंज करें ठीक है इट इज़ टाइम कहीं भी आ जाए तो आपका आएगा पास्ट इंडेफिनिट मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क अरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मार्क आया है तो सब्जेक्ट से पहले सी में देखो सन हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क क्वेश्चन मार्क आया है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी ना यू से पहले हैव आएगा सी में आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन तो इसमें क्या आएगा बेटा प्राइसेस कम्स डाउन नहीं प्राइस कम्स डाउन प्राइसेस नहीं होते बेटा प्राइस कम्स डाउन होता है प्राइस ठीक है सी सी में प्राइसेस का क्या करना है आपने प्राइस करना है आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज
यंग। फिर वही बात आ गई, जब मैं छोटा बच्चा था मैं सीख चुका था स्विमिंग, तो आई विश काल्पनिक उड़ान कहीं है, इनकम्प्लीट विश है तो पास्ट परफेक्ट आता है, आपको वीडियो में बताया गया है। तो आई विश आई हैड लर्न्ड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, तो बी में आएगा बेटा आई हैड लर्न्ड। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।